हिंदू धर्म के प्रतीक के चिन्हों का महत्व क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्हों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सनातन धर्म को सबसे प्राचीन माना जाता है। इस धर्म में वेदों और पुराणों में उल्लेखनीय सिद्धांतों और धार्मिक परंपराओं का अनुसरण किया जाता है। सनातन धर्म के प्रतीक प्राय पूजा में या किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में देखने को मिलते हैं। आज हम इन्हीं प्रतीक का विवरण और महत्व लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। सभी प्रतीकों की जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्तिक की। इस शब्द का निर्माण संस्कृत के दो शब्द सु और अस्ति से मिलकर होता है। सु का अर्थ होता है शुभ और अस्ति का अर्थ होना। किसी भी धार्मिक कार्य में स्वास्तिक को अवश्य सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि यह अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा या किसी भी शुभ कार्य का आरंभ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर किया जाता है। यह प्राचीन काल से ही मंगल का प्रतीक रहा है। इसकी आकृति सभी दिशाओं को प्रदर्शित करती है, जिसका अर्थ है कि सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो, अर्थात स्वास्तिक के माध्यम से लोक कल्याण की भावना प्रकट की जाती है। ऋग्वेद में स्वास्तिक की भुजाओं को चार दिशाओं और चार लोगों की उपमा दी गई है और इसे सूर्य का भी प्रतीक कहा गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी भुजाओं को ब्रह्म की चार भुजाएं, चार मुख और चार वेदों का प्रतीक भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त स्वास्तिक को संपूर्ण मनुष्य जीवन का निचोड़, जैसे कि चार युग, चार वर्ण, चार आश्रम, चार पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी प्रतीक बताया गया है। स्वास्तिक दो प्रकार का होता है, प्रथम और वामा वर्ग। प्रथम स्वास्तिक में भुजाएं आगे की ओर होती हैं और इसे भारतीय सभ्यता में शुभ माना जाता है। वहीं वामा वर्ग स्वास्तिक में भुजाएं पीछे की ओर इंगित हैं, जिसे अशुभ माना जाता है। यदि आपने कभी ध्यान दिया हो तो हिटलर के ध्वज में वामा वर्ग स्वास्तिक अंकित था। अब बात करते हैं ओम की। हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक ओम का उच्चारण मात्र ही शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ओम पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। ओम को समस्त संसार के मंत्रों का केंद्र कहा जाता है। शास्त्रों में उल्लेखनीय है कि ओम तीन प्रकार की ध्वनियों से बना हुआ है, अ, उ और मा। इसके अतिरिक्त इसमें नाद और बिंदु भी सम्मिलित हैं। यह भूगोल, भू लोग और स्वर्ग लोग का प्रतीक है। ओम को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी प्रतीक कहा गया है। पुरातन समय में जब तपस्वी और योगी ध्यान में बैठते थे तो उनका अनुभव था कि ओम एक ऐसी ध्वनि है जो स्थायी रूप से सुनाई देती है। यह ध्वनि न केवल संपूर्ण ब्रह्मांड में बाहरी रूप से बल्कि शरीर के अंदर भी लगातार सुनाई देती है। ओम की ध्वनि चेतन मन और आत्मा को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली है। ओम शब्द के उच्चारण में दांत, जीवा, होठ, तालु और फेफड़ों की वायु की सम्मिलित पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला अक्षर आ कंठ से निकलता है, दूसरा अर्थ उ हृदय को स्वस्थ रखता है और तीसरा अक्षर म नाभि में कंपन उत्पन्न करता है। इसकी गूंज से शरीर की नसों और नाड़ियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में ओम जप का बहुत महत्व बताया गया है। इससे एकाग्रता में वृद्धि होती है, साथ ही साथ ये मानसिक और शारीरिक रोगों को नष्ट करने में बहुत सहायता करता है। अब बात करते हैं शंख की। जी हाँ दोस्तों, शंख भारत के हर घर में पूजा के स्थान पर पाया जाता है। यह मात्र एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो पूजा में अनिवार्य है।
हिंदू धर्म में पूजा आरंभ होने से पहले शंख की ध्वनि को शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में शंख से जल अर्पित करके भी प्रथा है। हिंदू धर्म में ग्रंथों में शंख को बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण बताया गया है। महाभारत में युद्ध आरंभ करने से पूर्व शंख नाद किया गया था। अर्थवेद में उल्लेखनीय है कि शंख से राक्षसों का नाश संभव है। देवताओं द्वारा भी शंख का प्रयोग किया गया था। भगवान श्री कृष्ण का पंचांजन शंख बहुत अद्भुत बताया गया है। यह विजय का प्रतीक भी है। शंख की ध्वनि से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और वातावरण में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। उल्लेखनीय है कि जहां तक शंख की ध्वनि पहुंचती है वहां वहां रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। समुद्र मंथन से निकलने वाले 18 रत्नों में से एक शंख भी है। शंख दो प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती और वामावर्ती। दक्षिणावर्ती शंख का मुख दाईं ओर खुला होता है। ये बहुत ही पवित्र और लक्ष्मी एवं समृद्धि प्रदान करने वाला शंख होता है। वामावर्ती की बात करें तो वामावर्ती शंख बाईं ओर से खुला होता है। इसकी ध्वनि बीमारी के कीटाणुओं को नष्ट करती है। अब बात करते हैं दीपक की। जी हाँ दोस्तों, हर पूजा के कार्य में दीपक प्रज्वलित करना बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य में दीपक का प्रज्वलित किया जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दीपक न केवल प्रकाश उत्पन्न करता है अपितु अज्ञानता को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने का भी प्रतीक होता है। साथ ही साथ दीपक मनुष्य जीवन में सकारात्मकता प्रदान करता है। विशेष रूप से गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करने का बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इसका महत्व भी है, क्योंकि गाय को बहुत पवित्र माना गया है और इसके दूध से बने घी में अनेक गुण होते हैं जो न केवल शरीर बल्कि वातावरण को भी शुद्ध और पवित्र करते हैं। जहां गाय के घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है वहां एक विभिन्न प्रकार की सकारात्मकता होती है। इसलिए तेल के दीपक से अधिक घी के दीपक को महत्व दिया गया है। अब बात करते हैं तिलक की। सनातन धर्म में तिलक को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। पूजा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का मस्तिष्क तिलक से सुसज्जित होता है। अनेक लोग प्रतिदिन तिलक लगाते हैं। तिलक की प्रथा सनातन धर्म के अंतरिक्त किसी अन्य धर्म में नहीं है। मानव शरीर में 7 चक्र पाए जाते हैं जो ऊर्जा और शक्ति के केंद्र हैं। मस्तिष्क में जहां तिलक लगाया जाता है वहां आज्ञा चक्र उपस्थित होता है। यही गुरु स्थान है और यह हमारे शरीर की संपूर्ण ऊर्जा और चेतना का स्थान भी है। इस चक्र पर 3 नाड़ियां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना मिलती हैं। इसलिए इस स्थान को संगम अथवा त्रिवेणी भी कहा जाता है। ध्यान लगाने की प्रक्रिया में इसी चक्र पर ऊर्जा को केंद्रित किया जाता है। मस्तिष्क पर तिलक धारण करने से शक्ति मिलती है। भिन्न भिन्न उंगलियों से तिलक लगाने से विभिन्न महत्व हैं, जैसे अनामिका से तिलक लगाने से मानसिक शांति प्रदान होती है। वहीं अंगूठे से तिलक लगाना प्रसिद्धि, वैभव और गौरव आरोग्य का प्रतीक होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो हिंदू धर्म के प्रतीक और उनके चिन्हों के महत्व जरूर पसंद आए होंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके ही चैनल पर। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियां।